नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education हब में। जैसा कि माय डियर एस्पिरेंट्स स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, SBI PO यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोफेशनली ऑफिसर्स का जो एग्जाम्स होता है उसका नोटिफिकेशंस, उसकी भर्तियां आ चुकी है। 2021 के लिए SBI ने प्रोफेशनली ऑफिसर्स के रूप में भर्तियां का नोटिफिकेशन से वह निकाल दिया है। टोटल्स 2000+ वैकेंसीज है सारी ही, पूरी कैटेगरीज की मैं बता रहा हूँ, OBC, SC, ST, जनरल्स, EWS, सारी कैटेगरी की मिला के 2000+ आपकी वैकेंसीज है। ओके, अभी अभी रिसेंट में नोटिफिकेशंस आया है, ध्यान रखिएगा, SBI PO सबसे बैंकिंग सेक्टर का सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स होती है, हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होता है और हाई प्रोफाइल पोस्ट होती है, राइट। बैंकिंग सेक्टर्स की सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है SBI PO, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए उसका जो नोटिफिकेशंस है रजिस्ट्रेशंस के बारे में, कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम्स है, मेंस का एग्जाम्स होगा, इंटरव्यू वगैरह, कितने इसके चार्जेस हैं, कौन इसकी योग्यता है यानी कि कौन इसको फॉर्म को भर सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने मार्क्स की आवश्यकता रहेगी, राइट, और कौन कौन इसको भर सकता है, एज का रिलैक्सेशन क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, सभी टाइप के क्वेश्चंस का इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, पहले पूरा वीडियो देखिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगे कि सर ये चीज मेरी डाउट है, पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लाइक बटन पर प्रेस करिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वेट कर रहे थे सर SBI PO कब निकलेगा, तो फाइनली SBI PO का नोटिफिकेशंस भी आ चुका है। ओके, तो बात करते हैं, सीधे लेके चलता हूँ आपको नोटिफिकेशंस पे, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, अपन जो जो इम्पोर्टेंट है पूरा डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, जो जो इम्पोर्टेंट है वह मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, सो गाइस देखिए ये आपके सामने है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपके पास गिवन है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, पेमेंट फीस 5/10 यानी कि 5th ऑफ अक्टूबर, राइट, सिर्फ 25th ऑफ अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि 5th फ्रॉम 5th ऑफ अक्टूबर टू 25th ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को भरने की। ओके, पहली चीज आपकी ये क्लियर हुई। सेकंड पे आते हैं, देखिए सेकंड पे आपका पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न दे रखा, पैटर्न इट मीन्स कब आपका एग्जाम्स, कौन कौन सा शेड्यूल जिसको कह सकते हैं वह दे रखा है, राइट। मेन यही रहता है कि कौन कौन सा एग्जाम्स होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो रजिस्ट्रेशन डेट मैंने आपको बता रखी है 5 से 25 तक, फिर आपका रहेगा प्रीलिम्स जो एग्जाम्स है, राइट, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के कॉल लेटर है वह आपके फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ नवंबर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वीक के, क्योंकि 25th को तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे, आई थिंक ये 10 डेज का समय लेता है आपकी पूरे के पूरे एडमिट कार्ड है प्रीलिम्स के जारी करने के लिए, राइट। तो क्लियरली है कि फर्स्ट और सेकंड वीक के नवंबर में, क्योंकि बीच में दिवाली भी रहती है। ओके, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में तो डेफिनेटली दिवाली रहेगी, इसको सेकंड वीक में ये पूरा का पूरा एग्जाम्स कराएगा। ओके, एग्जाम्स आपका नवंबर और दिसंबर में रहेगा, नवंबर और दिसंबर में, राइट, नवंबर लास्ट में रहेगा, डेफिनेटली दिसंबर फर्स्ट वीक में, एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दिसंबर में ही रिजल्ट आ जाएगा, इट मीन्स नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में यह रहेगा। ओके,
डाउनलोड ऑफ मेन एग्जाम्स कॉल लेटर, जो कि आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीक में, सेकंड और थर्ड वीक जो दिसंबर का है, रिजल्ट्स आप प्रीलिम्स का रिजल्ट्स आने के बाद डायरेक्ट आपके नेक्स्ट डे ही मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाता है, राइट। मेंस का हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहता है, मेंस का एग्जाम्स रहता है जो कि आपका दिसंबर में होगा, जनवरी में मेंस का रिजल्ट्स आएगा, फिर उसमें से जो सिलेक्शंस होगा वो आपकी थर्ड फेज यानी कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे, राइट। सारा ग्रुप डिस्कशंस होगा, सब कुछ होगा, ओके। फाइनल रिजल्ट्स इसमें देगा सेकंड वीक फरवरी मार्च में, आपका इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि किन किन को सिलेक्शंस हुआ है, किन किन को ये जॉब मिली है, राइट। इंपॉर्टेंट क्या, फर्स्ट और सेकंड वीक में इसका एडमिट कार्ड, नवंबर या दिसंबर, नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम्स, फिर आपके मेंस का एग्जाम्स इसके रहेगा दिसंबर एंड में। इज इट क्लियर? ये तो रहा आपका पूरा का एग्जाम्स का शेड्यूल, आपको पूछना है जरूर पूछेगा। अब पोस्ट कितनी है, देखिए मैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बता रहा हूँ, स्टेट वाइज नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया की अगर एससी कैटेगरी की है, यानी कि शेड्यूल कास्ट की अपन बात करें, टोटल्स 324 पोस्ट हैं शेड्यूल कास्ट की, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब की 162 पोस्ट हैं, याद रखिएगा। और आपकी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की टोटल्स पोस्ट हैं 560, और ईडब्ल्यूएस की 200, जनरल्स कैटेगरी की 810, 810 टोटल्स मिला के 2056 होती है, राइट। क्लियर? तो ये टोटल्स आपकी पोस्ट हैं, ओके। मेन इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लियरली कह रखा है आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी लेवल में हो, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, राइट। मान लीजिए आपकी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हो जाती है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको प्रूफ मेंशन करना पड़ेगा, ओके। मेन क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, क्वालिफिकेशंस का यही है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, राइट, मेन थिंग। फिर आपके आता है दैट इज द जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स का शेड्यूल, जो एग्जाम्स है, तीन तरह के एग्जाम्स आपके, तीन सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स के इंग्लिश, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी एंड रीजनिंग, राइट। 30 और 35 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, टोटल्स मार्क्स 100 है, 20 20 मिनट्स का सेक्शन टाइम भी गिवन है, 1 घंटे का पूरा प्रीलिम्स का एग्जाम्स होगा। नाउ फिर आता है जो कि आपके दिसंबर लास्ट में मेंस एग्जाम्स होगा, उसमें रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 60 मिनट्स, टोटल्स 1 घंटा मिलेगा रीजनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए। मैथ के 35, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जनरल्स इकोनॉमी के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की, टाइम मिलेगा 35 मिनट्स, और इंग्लिश रहेगी 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की, 40 मिनट्स का इसमें टाइम रहेगा। टोटल्स क्वेश्चंस रहेंगे 155, 200 टोटल्स मार्क्स रहेंगे, पूरा का पूरा टाइम मिलेगा 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और याद रखिएगा यहाँ पर बेसिकली प्रीलिम्स में 0.25 यानी कि 1/4, 4 क्वेश्चंस गलत होने पर 1 क्वेश्चन जो सही है वह भी गलत माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। फिर आपका इसके बाद मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, राइट। अब देखिए अब जो ग्रेड पे है, यहाँ पर ग्रेड पे देखिए स्टार्टिंग बेसिक पे है 41,960, बेसिक पे बात कर रहा हूँ, फिर इसमें अलाउंसेस हैं और भी बहुत कुछ अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो सारे ऐड होंगे, ओके। क्लियर?
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है कि सर फीस कितनी है, पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो हर नोटिफिकेशंस में एसबीआई की खासियत थी वो अपनी फीस को इंक्रीज करता ही था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि फीस अभी बढ़ाई नहीं गई है। 750 यानी कि 750 रुपये आपके फॉरम के लगेंगे, जनरल्स कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी कैटेगरी, राइट, उनके लिए 750 रुपये, 750 जो एससी एसटी के लिए उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री फॉर्म भर सकते हैं, ओके, और एग्जाम्स दे सकते हैं, राइट। मेंस बता दिया, मेंस कब होना है, एग्जाम्स की डेट बता दी, एग्जाम्स का पैटर्न बता दिया, फॉरम की फीस बता दी है, ओके, और क्वालिफिकेशंस कितनी होनी चाहिए वह मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब फॉर्म आपके स्टार्ट कब होंगे, स्टार्ट होंगे कल की डेट से। कल आप जैसे ये नोटिफिकेशंस पढ़ोगे वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, या मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ओके। ये नोटिफिकेशंस है, इसका पीडीएफ मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड करके आपको जो चीज़ पढ़नी है, जो चीज़ रीडिंग करनी है, जो चीज़ समझनी है, आप समझ लीजिएगा इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस पे। कोई डाउट रहता है, आई थिंक मैंने मेरी तरफ से पूरे डाउट्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक हाइलाइटर क्वेश्चंस रहता है ना वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चंस है पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ओके। ये नोटिफिकेशंस मैं नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रहा हूँ, अब वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अप्लाई नाउ का भी आपको कल लिंक है जो एक्टिवेट हो जाएगा, कल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप शो गाइज आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ये सारे सेंटर दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप नोटिफिकेशंस में, यहीं है ही सेंटर में एग्जाम्स आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये स्टेट है, जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ एग्जाम्स होंगे, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, ये आपके सेंटर्स रहेंगे राजस्थान में, और मेंस के लिए केवल और केवल जयपुर रहेगा राजस्थान, यानी कि कैपिटल से ओनली। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं देख सकते हैं आपका नियरेस्ट क्या पड़ता है, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में अगर नहीं किया है तो, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी स्टूडेंट को फॉर्म भरना है भर दीजिएगा, तैयार याद रखिएगा, यह सबसे हाई लेवल का एग्जाम्स रहता है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, राइट, तभी यह इसमें सिलेक्शंस हो पाएगा। मैं पहले ही आपको एक तरह से कह सकता हूँ अलर्ट कर रहा हूँ, राइट, एसपीआई पीओ सबसे हाई लेवल पोस्ट होती है, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ओके। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ उनका ही सिलेक्शंस होगा, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं इसमें सिलेक्शंस ले पाऊंगा, मेरी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है, ओके। तो फाइनली ये पूरा नोटिफिकेशंस था, आई होप अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, थैंक यू सो मच।